अस्सलाम वालेकुम सजरत बेलिया मखरत मित्रों, तो कैसे आप सभी लोग। तो चलिए भी आज की स्टोरीज की बात करते हैं। तो मेरे पास बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए भी फर्स्ट स्टोरी की बात करते हैं द इडियट्स के मेंबर्स के बारे में। तो उन्होंने अपने चैनल पर एक Q&A वीडियो अपलोड की, जहाँ पर किसी ने उनसे पूछा कि आप द इडियट्स से कब रिटायर हो रहे हैं। अगर आप लोग उनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो उनकी वीडियो का छोटा सा पार्ट आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। हाउ लॉन्ग वुड यू गाइस थिंक द इडियट्स विल गो इन फ्यूचर, रिटायर होने का मूड है? अच्छा सवाल है, सीरियस को सिलेक्ट भी किया गया है भाई। देखें, एक ना एक दिन तो ये चीज़ जर सी बातें खत्म होती है, लेकिन अगर आप, मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर हम कंटेंट उसी हिसाब से चेंज करें जिस हिसाब से हमारा टेस्ट और हमारी जो एज चेंज हो रही है, तो फिर हम लॉन्ग उस पर टाइम पर सस्टेन कर सकते हैं। मतलब अगर अभी हम जैसी बातें पहले जो हरकतें करते थे अपनी वीडियोज़ में, अब वो करते हुए थोड़ा सा हम कतराते हैं, या बहुत बात जो है ना वो टॉपिक्स लेते भी नहीं कि नहीं यार अब ये वाला ज़माना नहीं है या वो चीज़ें नहीं है। तो अगर हम अपने आपको चेंज करेंगे वक्त के साथ साथ कि यार थोड़ा सा अगर और मेच्योर हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल की उम्र में, तो जैसी बातें आप ये जो शमसी बनता है तो 40 ईयर्स में तो कितना बुरा लगेगा, ठीक है? आगे बात भी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट इसके अंदर रेस किया। तो अगर उसको हम मेच्योर करेंगे तो लॉन्ग टर्म पर चल सकता है, लेकिन ये तो है कि भाई एक ना एक दिन तो चीज़ खत्म होनी होती है, मतलब उतर के अब बस यार। लेकिन एक चीज़ ये भी है ना कि अगर हम अपने कंटेंट को चेंज करते जाएंगे तो जरूरी नहीं है लोग हमें उस कंटेंट के साथ भी एक्सेप्ट करें। जब समझ में आ जाएगा कि भाई आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो एंड तो करिए। भाई हर चीज़ का एक साइकिल होता है, एक लाइफ होती है, हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो ऑब्वियसली जब हमने 10-12-13 साल पहले बनाना शुरू किया था, हमें नहीं पता था हम 13 साल बाद भी काम कर रहे होंगे। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग करंट प्रेजेंट के वाले से मैं बात करूँ तो दी इडियट्स को मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत स्टोरीज और बहुत कंटेंट है दिखाने के लिए। प्लस यार अभी हम लड़के ही लगते हैं, इतने बुड्ढे भी नहीं हैं। हाँ, मतलब अगर हम अपने आपको समझेंगे कि यार बस ये हो गया तो फिर तो चीज़ चलती रहेगी, लेकिन ये टाइम के हिसाब से चेंज करना है। इन द एंड ये है भाई, बहुत लॉन्ग टर्म का हमारा प्लान है, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते कि इस दिन खत्म हो रहा है। चलता रहे, अच्छी बात है, आपको एंटरटेन करते रहेंगे। तो चलिए भी अगली स्टोरी की बात करते हैं, जो कि डेली पाकिस्तान के एंकर यासर शामी के बारे में। तो इनकी मदर की डेथ हो चुकी है। आप सभी लोग इनके लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन, मे ही सोल रेस्ट इन पीस। तो चलिए भी अगली स्टोरी की बात करते हैं, जो कि खबरी YT एंड हसन आबद के इंसिडेंट के बारे में। आप लोगों को पता होगा जिसने अपने टिकटॉक अकाउंट पर सभी वीडियोज को डिलीट कर दिया था। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना। यह सब कुछ खबरी YT की वीडियो के बाद सर्कुलेट हुआ था ऐसा। तो खबरी YT ने हसन आबद से सॉरी भी कहा। अगर आप लोगों ने उनकी वीडियो भी देखनी हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो जाकर आप देख लेना। तो खबरी YT का इस पर क्या रिएक्शन था, क्योंकि हसन आबद के बारे में है। तो यार हसन आबद से रिलेटेड एक न्यूज शेयर की थी मैंने अपने चैनल पर 2-3 दिन पहले, और वही न्यूज मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट पर भी शेयर की थी। तो टिकटॉक पे वो वीडियो ज्यादा वायरल चली गई, 1.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए उस पर, लेकिन वो न्यूज थोड़ी सी गलत थी। मतलब हसन आबद ने एक रील शेयर की हुई थी अपने इंस्टाग्राम पर, जहां पर एक बंदा अपने दोस्त की स्टोरी बताता है कि उसके दोस्त के कान में शीशा पिघलाकर डाला जा रहा है, वो मदद मांग रहा है। तो यही सब न्यूज मैंने शेयर कर दी थी और मुझे लगा था कि हसन आबद के साथ ये इंसिडेंट हुआ है और उनके दोस्त के साथ ये सब हो रहा है। लेकिन अभी उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जहां पर उन्होंने बताया कि उनको कोई भी ऐसी ख्वाब नहीं आई थी, ना ही उनका दोस्त कोई फोत हुआ है। और उन्होंने वो वीडियो सिर्फ इसलिए शेयर की थी क्योंकि उस वीडियो से वो इंस्पायर हुए थे और वो चाहते थे कि सब लोग भी ऐसे ही इंस्पायर हो। तो उसके लिए आई एम सॉरी, न्यूज समझने में थोड़ी गलती हो गई थी, मुझे लगा कि वो उनकी अपनी स्टोरी है, लेकिन ऐसा नहीं था। और मेरी वीडियो की वजह से लोग ये समझने लगे कि वो हसन आबद की स्टोरी है, और जिन लोगों ने वो वीडियो पहले से देखी हुई थी वो हसन आबद को भी हेट देने लगे कि भाई उसने तो पूरी स्टोरी कॉपी कर ली है। तो इस सबके लिए दिल से सॉरी हसन आबद को भी और आप सब लोगों को भी, मुझे थोड़ा समझने में गलती हो गई थी। अभी उन्होंने जो वीडियो शेयर की उसमें यही सब एक्सप्लेन किया और एक चीज को लेकर वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे कि अभी जो भी लोग उनके नाम से क्लिकबेट थंबनेल्स वगैरह बना रहे हैं इस पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं। तो ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। तो चलिए अगली स्टोरी की बात करते हैं। एक पाकिस्तानी टिकटॉकर एंड इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम सैम रहमान है। क्या इनकी लुक सेम टू सेम कैरी मनाटी से मिलती है, जो कि एक इंडियन यूट्यूबर है। इन्होंने बोला कि मैं जोन सी भी वीडियोस अपने सोशल मीडिया पर लगाता हूं तो वहां पर सभी एक ही कमेंट करते हैं कि आपका लुक सेम टू सेम एक इंडियन यूट्यूबर कैरी मनाटी से मिलता है। इसी सब पर बात करते हैं, कुछ ये कह रहे थे सैम रहमान। खुदा की कसम, मैं अगर मतलब कोई भी वीडियो बनाऊ ना, इवन इफ इट इज रेजिंग अवेयरनेस अबाउट कोई चैरिटी या समथिंग, बूथ ही देखेंगे लोग और कहेंगे यू लुक लाइक कैरी मनाटी। अबे नहीं लगता यार उसकी तरह, मैं क्या बातें कर रहा हूं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये कैरी मनाटी जैसी लुक रखते हैं कि नहीं, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। तो चलिए भी अगली स्टोरी की बात करते हैं, वो कनेक्ट कुशान के बारे में। तो कनेक्ट कुशान एक फनी इंसिडेंट बताया, इस सब पर बात करते हैं। वो कुछ ये कह रहे थे कनेक्ट कुशान, आप लोगों को उनकी वीडियो दिखा देता हूं यहां पर मैं। बहुत दिनों बाद बड़ी एक बड़ी जबरदस्ती अभी कहानी हुई है। रिसेंटली अभी मेरे पास एक मेल आई बच्चे की, उसने कहा कुशान भाई आई कैन राइट स्क्रिप्ट फॉर यू। मैंने कहा ओके, शेयर सम सैंपल। उसने मुझे एक PDF भेजी जिसमें एक स्क्रिप्ट थी। जैसे मैंने वो स्क्रिप्ट खोली है ना, तो मुझे उसका थोपड़ा कहीं देखेला लगता था। मैंने कहा जिस तरह का अंग्रेजी का इस्तेमाल हुआ हुआ है इसमें और जिस तरह से ये लिखी गई है, कहीं तो देखी हुई है। तो मैंने उस PDF को कन्वर्ट किया टेक्स्ट में और टेक्स्ट को लेकर गया ChatGPT पे। वहाँ पे उसको मैंने डाला और लिखा कि इज दिस स्क्रिप्ट जनरेटेड फ्रॉम AI। तो उसने कहा यस। फिर मैंने क्रॉस चेक किया अपनी स्क्रिप्ट, यानी दी इडियट्स की स्क्रिप्ट वहाँ पर अपलोड की, और उससे पूछा कि भाई ये, उसने कहा नहीं। तो दोस्तों मेरे भाइयों, अगर आप कभी भी किसी कंटेंट क्रिएटर को अपनी कोई भी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए। मतलब आपने इतनी भी जहमत नहीं की कि उसको थोड़ा बहुत चेंज कर लूँ, ट्विक कर लूँ ताकि पकड़ में ना आए। तो कहने की बात ये है कि भाई ये चीज़ जो है आप अपवर्क फाइवर पर ट्राई कर सकते हो, और उसका जो कंसर्न था वो किसी और तरीके से होगा, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ये कंटेंट एडिटर पर नहीं चलेगी, क्योंकि सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला मामला जो है ना, ये चीज़ नहीं चलती यार। थोड़ी ट्विकिंग, कुछ तो उसके अंदर अपनापन लाना जरूरी है ना, वरना तो जाहिर सी बात है हमने भी 10,000 स्क्रिप्ट अभी तक कर ली है, पढ़ ली है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ है। तो
नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी किसी को भी ये प्रपोजल दो तो उसके अंदर पहले उसको समझना जरूरी, कॉपी पेस्ट करके दोगे तो वो कहीं ना कहीं से उसको पकड़ सकते हैं। तो चलिए भी आज के लिए भाई यही स्टोरीज थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई और ऐसा कंटेंट देखना आप लोग पसंद करते हैं तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। यार बहुत से लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं देखते, दिल से बुरा लगता है। जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया उनके लिए दिल से लव यू। तो ओके बाय, अल्लाह हाफिज। पहले मैं तुम लोगों को ट्रेस करके तुम लोगों के घर के अंदर वर के तुम लोगों को तुम्हारे सोफे से उठा के तुम लोगों के घर के बाहर कुट लगानी शुरू कर दूं। भाई मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ यार। बंदर का पुत्र बनो।